बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन विद आयजा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रमज़ान मुबारक का महीना जो है शुरू होने वाला है चंद दिनों में, तो उसके लिए हम आपके लिए जो है बहुत मज़ेदार से चिकन नगेट्स की रेसिपी लाए हैं, फ्राइज़ की रेसिपी लाए हैं। और जो है चिकन को हम जो है बॉईल करके रेशा करके रखेंगे, जिससे कि ना हमारा जो है जब भी हमें रेसिपी बनानी तुरंत निकालेंगे और बना लेंगे तो काफ़ी टाइम बचत होगा। और उस टाइम में ना हम अपनी अच्छे से इबादत कर पाएंगे। जब हम काम को अच्छे से मैनेज करके कर लेते हैं ना, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बचता है और इबादत जो है बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें टाइम मिलता है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो आलू लिए हैं फ्राइज़ के लिए। यहाँ पे हम आलू को जो है छील लेंगे पिलर से। तो मैंने सारे आलू छील लिए थे, एक आलू मैंने बचाया आप लोगों के सामने जो है छीलने के लिए, ताकि आप लोग देख पाएँ। क्योंकि सारे आलू अगर मैं छीलने बैठूँगी ना, तो फिर आप लोगों का टाइम जो है वेस्ट होगा, और टाइम जो है बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और अभी जो रमज़ान आने वाले हैं, तो सबके घरों में ना इतने ज़्यादा काम हैं और इतना ज़्यादा सबको जो है कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों की वीडियो लाई हूँ, जिससे कि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो यहाँ देखिए आलू सारे छिल चुके थे और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो आप भी जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से जो है इसको कट कर ले। तो मैंने इस तरह से इसको काटा है लंबे लंबे, तो आप भी इस तरह से लंबे लंबे से काट लें। बाकी आप किस तरह से काटेंगे, इसके लिए ना चॉपर भी आता है एक अलग से कट करने के लिए, वो है तो उससे काट लो। मेरे पास तो नहीं है, तो मैंने इस तरह से काट लिया है। तो ये सारे आलू को मैंने अच्छे से जो है धो लिया है। और धोने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो पानी रख दिया है, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल दिया है। और अब जो है हम इसको उबलने देंगे पानी को। यहाँ पे जो चिकन हमने उबाला था ना, उसका रेशा कर लेंगे। तो इसका रेशा करने का और चिकन ब्रेड का जो है मेरा चैनल पे पहले से वीडियो है, आप जाके देखिएगा। चिकन ब्रेड मैंने बहुत मज़े की चिकन ब्रेड बनाना आप लोगों को बना के बताई हुई है, तो आप लोग जाके देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन रेशा हो गया है और अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो जब हम इस तरह से स्टोर कर लेते हैं ना, चाहे वेजेस हों या चिकन हो, तो हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि रमज़ान का महीना ना इतना कामों भरा भी होता है और इबादत वाला भी होता है, खुशी का तो होता ही होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अच्छे से इबादत के लिए टाइम मिले, तो हम पहले से कुछ काम कर देते हैं ना, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है और हम थोड़े रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ चिकन देखिए बॉईल हो चुका है, आने ही वाला है, मतलब बॉईल पूरा बॉईल नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमने जो है पोटैटोस जो काटे थे ना, वो डाल दिए हैं। अब इसे हम बॉईल नहीं करना है, सिर्फ से सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैं इसमें इसको छोड़ूंगी, ज़्यादा देर नहीं छोड़ूंगी। 30 सेकंड के बाद मैं इसको निकाल लूँगी स्ट्रेनर में और फिर इसको ठंडे पानी से जो शीतल में धो देना है, ताकि जो इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है रुक जाए, नहीं तो यह ओवर कुक हो जाएगा और ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है कॉटन का टॉवल ले लिया था और उसके ऊपर मैंने इसको जो है इस तरह से रख दिया था और फ़ैन ऑन कर दिया था, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो ड्राई हो जाए। तो आपको भी इस तरह से करना है। स्टोर करने के लिए ना हमें थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है, बाकी फ्रेश तो आराम से हम बना लेते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए सारा जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब जो इसे स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, एक ख़ास स्टेप है इसमें, आपको यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो है ऐड करना है, जो कि बड़े बड़े शॉप्स वगैरह होते हैं ना जो कमर्शियल, तो वो इसी तरह से ना इसको बना के स्टोर करते हैं। तो ये वहीं का आइडिया है, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सारा ऑयल जो है फिंगर्स में लग गया था फ्राइज़ में, और अब हम इसको इस तरह से जिपलॉक में डालेंगे और स्टोर करेंगे। तो आप लोगों के पास अगर जिपलॉक बैग नहीं होना, तो कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर होना, उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास इस तरह के जिपलॉक बैग हों। तो मैंने देखिए इस तरह से ले रखे हैं, क्योंकि ये काफ़ी काम आते हैं किचन में और सस्ते भी पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने ले लिए थे। तो यहाँ देखिए पूरा हमारा ये 1 kg तक का इस जिपलॉक बैग में सामान आ जाता है हमारा, तो ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो है चिकन नगेट्स के लिए चिकन ले लिया था, बोनलेस चिकन है, 250 ग्राम के करीब है ये। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास चॉपर तो वैसा वाला नहीं ना, तो मिक्सी है, तो मिक्सी में मैं करूँगी, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पीस करी हूँ, ताकि मिक्सी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो आपको भी इसी तरह से कर देना है। यहाँ पे सारा चिकन जो छोटे छोटे जो है इसके कर लिए थे हमने। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसे मैंने जार में डाल दिया है, और इसको हम जो है ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा सा माशाल्लाह क्रम्स बन चुका है। यहाँ पे हमने जो चिकन कट करे थे ना,
छोटे छोटे पीसेस में वोड ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, तो ये सब चीज़ें ना आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको तीखा नमक ये सब पसंद है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्ची का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक और जो है हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है मैंने मिल्क, ठंडा मिल्क जो फ्रिज में था वो ऐड करा है ताकि जूसी अच्छे नगेट्स बने। तो दूध को ऐड करने का यही हमारा होता है कि हमारे जो है नगेट्स हैं ना बहुत जूसी से बहुत टेंडर से बने, तो आपको भी इस तरह से करना है तो आपके नगेट्स ना जूसी तैयार होंगे। तो यहाँ देख लीजिए अच्छे से हमारा जो है नगेट्स का बैटर जो है डो कह लें या बैटर कह लें तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लेना है और इसको इस तरह से जो है लगा देना है, तो फिर ना हाथों में ऑयल लगा के आप करेंगे ना आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी, आप शेप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए दोनों हाथों में आपको ऑयल ज़रूर से ज़रूर अच्छे से लगा लेना है। और इस तरह से अब जो है नगेट्स को हम शेप देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने जो है शेप दे दी है, और वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि जो है मैं जल्दी से आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर पाऊँ और आपका टाइम ज़ाहिर ना जाए। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने शेप दे लिए, तो मैं 2-4 आपको शेप दे के दिखाती हूँ और उसके बाद मैं सारे जो है शेप दे दूँगी ना, तो मैं आपको जो है दिखाती हूँ। तो आगे भी है ना वेजिटेबल स्टोर करने के लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं रमज़ान की खुद भी तैयारी कर रही हूँ तो, और उसका इसलिए मैं सोचूँ आपके साथ भी जो है ब्लॉग शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो पाए, क्योंकि सभी चाहते हैं हमारा काम जो है अच्छे से हो और हर काम जो अपने टाइम से हो और इबादत के लिए अच्छा खासा टाइम मिले। तो इसीलिए तो आगे हमारी वीडियो देखने के लिए जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ताकि जो भी हम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाएँ। और अपनी बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से शेप देनी है आपको, मैंने भी इसी तरह से दिए, तो नगेट्स की शेप है ना इसी तरह से दी जाती है। तो आप चाहते हैं तो एक एक करके शेप दें, या फिर है ना प्लेट में जिस तरह से बर्फी कट करते हैं ना उस तरह से भी इसको बिछा के और काट सकते हैं, एक ही बार में आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैंने तो एक एक करके शेप दे ली है। यहाँ देखिए सारे नगेट्स हमारे माशाल्लाह से बन चुके हैं, अब इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। तो मैंने ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ नहीं करा था, मैंने सिर्फ 4 से 5 घंटों के लिए फ्रीज़ कर दिया था। इसे थोड़े हार्ड हो गए, यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और एक कटोरी में मैंने अंडा फेंट लिया है, और थोड़े से मोटे वाले मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, मुझे ना इसमें मोटे वाले ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे लगते हैं लगे हुए, तो इसलिए मैंने थोड़े मोटे लिए। बाकी आपको बारीक पसंद है तो बारीक बना लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बार मैदे से अच्छे से ना इसको कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने अंडे में डिप करके अंडे की लेयर लगा दी है इस पर, और अब मैंने ब्रेड क्रम्स की, तो देखिए कितने अच्छे से ना ये अच्छे से लेयर लग चुकी है इस पर। तो आपको भी इसी तरह से एक एक लेके और इस तरह से कर लेना है, और इससे ना आपके नगेट्स ना बहुत अच्छे बहुत जूसी और बाहर से ना बहुत क्रंची से आपके नगेट्स जो है तैयार होंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको ना अभी 2-4 ना फ्राई करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको ना आइडिया हो जाए कि अगर आपने नहीं बनाया हो तो, इसीलिए आप लोगों के साथ मैं 2-4 फ्राइज़ करके भी जो है दिखा दूँगी। तो इसलिए आपको पूरी हमारी ना वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, नहीं तो क्या होगा ना इससे मैं आपसे कोई स्टेप होगा जो छूट जाएगा और फिर सही नहीं बनेगा, तो आप लोग बोलेंगे कि हम वो रेसिपी आपने सही नहीं बताई या क्या जो भी है, तो फिर इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए। और छोटे सा ही वीडियो है और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको काम करके जो है जो जो दिखा दिया है ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो यहाँ लास्ट वाला मैं आपको और करके दिखा देती हूँ, मैदे में करा फिर अंडे में कर दिया इस तरह से, और अब जो ब्रेड क्रम्स के ऊपर, बस बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपका ना जो है ये रेसिपी तैयार रहती है। फिर रमज़ान में आपको क्या करना होता है ना, बस निकालना है फ्राई करना है सर्व करना है, और आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगती फिर। तो यहाँ देखिए सारे नगेट्स हमारे जो है बन के तैयार हैं, तो मैं आपको कुछ फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। देखिए ऑयल जो है गर्म हो चुका था, गैस को मीडियम पे कर दिया, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं बहुत ज़्यादा लो पे नहीं, और इस तरह से इसको अच्छे से कलर आने तक ना हमें मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई करना है ताकि अंदर से भी नहीं अच्छे से सीख जाए, क्योंकि अंदर तो चिकन जो है वो कच्चा है ना, तो इस वजह से हमें इसे अच्छे से सीखना होता है।
तो देखिए कितने अच्छे हमारे नगेट्स भी फ्राई हो रहे हैं और कलर इतना अच्छा आया, और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी ना उतना ही अच्छा था जितना अच्छा आपको देखने में लग रहा है जब आप बना के खाएंगे ना, जब आपको पता चलेगा। तो इस बार इफ्तार में ना आपको इसको ज़रूर बना के ना स्टोर कर लेना इफ्तार के लिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और बड़े और बच्चे सभी को बेहद पसंद आता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बहुत मिनिमम से स्पाइसेस हैं, तो इसे बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब हम जो है आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर से ये कितना जूसी, कितना टेंडर, कितना अच्छा बना है, तो इसलिए आपको ये बनाना तो पड़ेगा ही देखते ही। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से बन गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।